पर लालू यादव या राजद के लोग मुसलमानों के नेता हैं, वो लोग अपने आप को सोकोल मुस्लिम के लीडर मानते हैं, तो इन लोगों को जाना चाहिए था बिहार शरीफ के दौरे पर, इन लोगों को जाना चाहिए था सासाराम के दौरे पर, इन लोगों को जाना चाहिए था बेगूसराय में जो साहेबपुर में 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, इन लोगों को चंपारण की उस धरती पर आना चाहिए जहां 9 साल की बच्ची नाजनीन की गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो गठबंधन के लोग हैं राजद वाले और कांग्रेस वाले, वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान का नेता और कोई दलित का नेता उनके सामने कुर्सी पर बैठे। वो लोग चाहते हैं कि वो जहाँ दरी पर थे, दरी बिछाने के का वो लोग का वर्क था, वही काम अपना यथावत रखें। चूँकि सियासत में हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, और इस हिंदुस्तान में अगर दलित का कोई बड़ा चेहरा है तो बहन मायावती है। बिहार में जो है भाजपा को रोकेगी, हम लोग उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नीतीश कुमार ने जो गठबंधन की मीटिंग हुई उसमें नहीं बुलाया, और मायावती को भी दावत नहीं दी गई, लेकिन इनका कहना है यानी विपक्ष के लोगों का कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में एक मोर्चा तय करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शमीमुल हक है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यूथ के सचिव है। ओवैसी साहब को नहीं बुलाया गया, मायावती को भी नहीं बुलाया गया, लेकिन कहा गया कि गठबंधन एक बड़ा बनेगा जो नरेंद्र मोदी को 2024 में शिकस्त दे देगा। आप लोगों को दावत नहीं दी गई? हम लोगों को दावत नहीं दी गई, इससे साफ जाहिर है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो गठबंधन के लोग हैं राजद वाले और कांग्रेस वाले, वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान का नेता और कोई दलित का नेता उनके सामने कुर्सी पर बैठे। वो लोग चाहते हैं कि वो जहां दरी पर थे, दरी बिछाने के का वो लोग का वर्क था, वही काम अपना यथावत रखें। वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इनका नेता समाज में उठ कर के आगे आए और मेरे सामने हक और इंसाफ की बात को रखे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटका में मुसलमानों ने कांग्रेस को बढ़ चढ़ के वोट दिया, 100% वोट उन्हीं को मिला, उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों है मुसलमानों की सियासी तौर पर कि उनके किसी भी नेता को नहीं बुलाया जाता है? इसी की आवाज़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम लोग चूँकि सियासत में हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, और इस हिंदुस्तान में अगर दलित का कोई बड़ा चेहरा है तो बहन मायावती है, और इन दोनों को इस विपक्षी एकता की मीटिंग से, चूँकि हम लोगों ने पहले भी इनका खैर मकदम है कि जो भी ताकत जो भी शक्ति बिहार में जो है भाजपा को रोकेगी, हम लोग उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन आज हम लोगों को इस विपक्षी एकता की बैठक से दूर करके इन लोगों ने साबित कर दिया है कि ये लोग किसी भी दलित और किसी माइनॉरिटी के फेस को, किसी भी मुसलमान को ये लोग अपने सामने खड़े होने की औकात में भी नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि दलित जो है दरी पर ही रहे और मुसलमान दरी बिछाने का ही काम करे। ये तो शमीम साहब, मसला ये है कि आखिरकार मायावती को लेकर के सवाल अलग है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के 5 विधायक आपके यहाँ पर थे जिसमें से 4 RJD में चले गए। आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी ने हमारे विधायकों को तोड़ दिया, अख्तर उल ईमान एक अकेले हैं जो मुद्दे की बात करते रहते हैं, लेकिन मसला यह है कि जब आपके पास यहाँ पर लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के नेता है ही हैं, वो बोलते ही हैं, तो फिर आप लोगों को नेतृत्व की क्या ज़रूरत है? अगर लालू यादव या राजद के लोग मुसलमानों के नेता हैं, वो लोग अपने आप को सोकोल मुस्लिम के लीडर मानते हैं, तो इन लोगों को जाना चाहिए था बिहार शरीफ के दौरे पर, इन लोगों को जाना चाहिए था सासाराम के दौरे पर, इन लोगों को जाना चाहिए था बेगूसराय में जो साहेबपुर में 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, इन लोगों को चंपारण की उस धरती पर आना चाहिए जहां 9 साल की बच्ची नाजनीन की गोली मार करके हत्या कर दी गई। और सबसे मैं आपको दुर्भाग्य की बात बताता हूं कि जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय का हमारे मोतिहारी के चंपारण की धरती पर पहला उनका प्रोग्राम था, और उससे एक दिन पहले 9 साल की बच्ची की हत्या हो गई गोली मार करके, और विधि मंत्री हमारे यहाँ के हैं डॉक्टर शमी अहमद साहब, और उस बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के लिए डॉक्टर भी नहीं था, तो वहाँ पर हम लोग गए, हमारी पार्टी के लोग गए, और मुझे बहुत अफसोस है कि उसका लाश उठाने के लिए भी कोई नेता और कोई जनप्रतिनिधि जदयू के हो, राजद के हो, चाहे कांग्रेस के हो, वहाँ गए तक नहीं, और एक उन्होंने संवेदना तक जाहिर नहीं की। तो ये कैसी मुसलमानों से मोहब्बत है? क्या सिर्फ अवतार का पार्टी देने के लिए और किसी में कि मुशायरा का दावत देने के लिए जो है मैं कि मोहब्बत है क्या? सवाल ये है कि आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोग इस तरह की कट्टरता वाली बात करते हैं कि आपस में समाज में नफरत फैल जाता है, इसलिए आप लोगों को इस समय शामिल नहीं किया जा रहा है। हम लोग हक की बात करते हैं, और अपनी बात करना अगर कट्टरता इन लोग को समझ में आती है तो फिर मैं लालू यादव जी को यादव की बात
रखनी नहीं चाहिए, मुकेश सहनी जी को सहनी की बात रखनी नहीं चाहिए, जीतन राम जी को माझी समाज की बात रखनी नहीं चाहिए, किसी अपने समुदाय के अपने लोगों की बात को हक के साथ मजबूती के साथ रखना ये कहीं से जो है लीगल है और हम लोग हमेशा ऐसा रखते ही रहेंगे पूरी मजबूती। आखिरी सवाल आपसे कि आप मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया तो आप लोग अलग फ्रंट बना लेंगे या फिर से रिक्वेस्ट करेंगे फिर से बुला लीजिए? नहीं, हम लोग जो है तीसरे फ्रंट की ही तैयारी में हैं और इन लोगों ने हम लोगों को रास्ता दे दिया है। मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से बिहार के उन उलेमाओं से मेरी गुजारिश है कि वो लोग जो मेन वक्त पर कुछ लोग आ करके ऐसा बयानबाजी उन लोग का रहता है कि यहाँ से MIM के लोग आएंगे तो भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो उन लोगों को अभी सोचने का वक्त है, अभी ये चीज़ समझने का वक्त है कि आज आपको आपकी हिस्सेदारी से अलग रखा गया है। आज हम लोग गठबंधन में भाजपा के खिलाफ शामिल होने के लिए रेडी थे, लेकिन आपको इससे अलग इसलिए रखा गया है कि आपकी क़यादत जो है खड़ी नहीं हो, और इसीलिए हमारी पार्टी ने भी कहा है कि सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शमीमुल हक, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि AIMIM के नेता को नहीं बुलाया गया, मायावती को नहीं दावत दी गई, तो इनकी नीयत साफ है कि आखिरकार गठबंधन जो करना चाहते हैं वो मोदी के खिलाफ जो एक रणनीति बनाना चाहते हैं उसमें हमको शामिल नहीं किया गया, इसलिए कि हम शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए उसके खिलाफ उसकी पॉलिसी उसकी रणनीति उसकी भाषा के खिलाफ हम लोग बोलते रहे हैं, लेकिन दलित और मुसलमानों का नेतृत्व जो है वो कुर्सी पे नज़र नहीं आता है, शायद इसी वजह से लोगों को चिढ़ है इसलिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी और जैसी शक्तियों को शिकस्त देने के लिए रणनीति तय करेंगे और 24 में चुनाव लड़ेंगे।